कक्षा नवी के सभी विद्यार्थियों की होने वाली बल्ले बल्ले, क्योंकि आपकी डिमांड पर यहाँ पर अपन है ना आज हिंदी का एक महत्वपूर्ण पेपर समझेंगे। अब की बार 90 पार का हमारा मिशन चल रहा है। यदि ये पेपर आप सोल्व करके जाते हो ना परीक्षा में, मेरी गारंटी है हर बच्चे को है ना इसमें से 60 से 70 नंबर का फंसेगा, 100% श्योर है। ठीक है, चलिए तो देर किस बात की है, फटाफट से अपन शुरू करते हैं ना। यहां पर देखिएगा, सुमित्रा नंदन पंत किसके कवि माने जाते हैं? तो सुमित्रा नंदन जो पंत है वो छायावाद के कवि माने जाते हैं। तो ये हो गया आपका छायावाद। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की जो रचना है वो क्या है? काट की घंटिया। वीर रस का स्थाई भाव सब जानते हैं, वीर रस का स्थाई भाव है उत्साह। ठीक है, भयानक रस का जाएगा भय। ठीक है, रौद्र रस का जाएगा क्रोध और श्रृंगार का जाएगा रति। इतना तो सबको पता भी होगा। ये तिब्बत में अधिकतर जमीनें किसको दे दी जाती है? जागीरदारों को। रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? ठीक है, मेरे संग की औरतें। ठीक है भैया, अगला देखते हैं, कोयल तुम किसका संदेश देना चाहती हो? संदेश देना चाहती हो। अगला है आपका, जिसके कारण स्थाई भाव जागृत हो वहां क्या हो कहलाता है? तो वो कहलाता है आलंबन। आलंबन अभिमान में जो मान है वो क्या है? मान यहां पर एक प्रत्यय है। क्या है? प्रत्यय। उमा ने बीए की परीक्षा पास कर ली, बीए की। महादेवी को एक कविता पाठ पर क्या मिला था? चांदी का कटोरा। क्या मिला था भैया? चांदी का कटोरा। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एकांकी में एक अंक होता है। एकांकी में कितने अंक होते हैं? तो एक अंक होता है, यानी एक ही एपिसोड में खत्म हो जाती है एकांकी, है ना। चलिए, चारू चंद्र की चंचल खिलने खेल रही है जलथल में, ये आपका किस अलंकार का उदाहरण है? तो ये है आपका अनुप्रास अलंकार। कौन सा अलंकार है भैया? अनुप्रास अलंकार। तो ये आपका पहला जाएगा। बिहार, बिहार का आपका जाएगा यहां पर जाकिर बीर हुसैन। मात्र ही भर, इसका जाएगा निपात शब्द। प्यारे लाल शर्मा, स्वतंत्रता सेनानी। नाटक सम्राट किसे कहा गया है? जय शंकर प्रसाद को। संसाधनों का अपव्यय हो रहा है, खर्च हो रहा है। चलिए, अब है सत्य सत्य। छायावादी काव्य में प्रकृति का मानवीकरण किया जाता है, तो बिल्कुल सत्य बात है। दोहा एक मात्रिक छंद है, बिल्कुल ठीक है। और यहां पर ये जो असत्य रहेगा, किरण शब्द का पर्यायवाची रश्मि होता है, बिल्कुल। उमा के व्यक्तित्व में साहस की कमी है, बिल्कुल गलत बात है भैया, बहुत साहस से निपुण थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रसिद्ध निबंध लेखक हैं, बिल्कुल सत्य बात है। मरकट के खुले डिब्बे के जैसा क्या है? पर्वती ग्राम। स्थाई भाव जगाने वाले तथा उद्दीपित करने वाले कारक को क्या कहते हैं? देखिए, उसे कहते हैं विभाव। क्या कहा जाता है? विभाव। महादेवी ने परिवार में हिंदी को कौन लाया था? माताजी। कौन की? उनसे माता जाती भी। महादेवी वर्मा की माता जी। उपसर्ग शब्द में कहां जुड़ता है? शब्द के पहले। विवाह को बिजनेस कौन कहता है? विवाह को बिजनेस कहते हैं गोपाल प्रसाद।
नाटक में कितने अंक होते हैं? अनेक अंक होते हैं। ठीक है भैया, यहां से देख सकते हैं आप बढ़िया से, ये हो गया है। इसके बाद में आपका जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 6 और ये 7 है। बाकी आगे के जो क्वेश्चन है अपने, ये सारे क्वेश्चन, इन सबको है ना अपन अच्छे से इस पेपर को साइड में रखते हैं, सॉल्यूशन के साथ देखते हैं। सॉल्यूशन में भी यहाँ पर लिखा हुआ है प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए भक्ति काल की प्रमुख विशेषताएं हैं आपका क्वेश्चन नंबर 6 में। तो भक्ति काल में क्या है, साकार तथा निराकार ब्रह्मा की उपासना है, रहस्यवादी कविताओं का प्रारंभ हो गया था, शस्त काव्य शैलियों का प्रयोग, लोक कल्याण का कार्य प्रशस्त करना और आध्यात्मिकता तथा सदाचार की प्रेरणा हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 का फिर अथवा है ये, यहां से देख सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 है, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा गया है? ब्रजभूमि के प्रति कवि रसखान का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त है? कोयल की कुक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी? ये क्वेश्चन नंबर आपका हो गया। यहां से क्वेश्चन नंबर 8 को आप देख सकते हैं बढ़िया से। यदि बात करें अपन क्वेश्चन नंबर 9 की, तो ये यहां से देखने को मिलेगा इस तरह से, ये इसका अथवा वाला प्रश्न है ना। बढ़िया से कंप्लीट कर लो, है ना। जिस बच्चे को वास्तव में अच्छे नंबर चाहिए ना, मैं जितना बता रहा हूँ उतना कर लो, भले अलग से पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, है ना। पर आप जितना बताए पहले वो तो कंप्लीट करो। स्थायी भाव और संचारी भाव में अंतर हो गया है ये। रूपक अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित, छंद किसे कहते हैं, छंद के प्रकारों के नाम, जीवनी और आत्मकथा में अंतर हो गया है, हो गया। इसके बाद में ये निबंध किसे कहते हैं, इसके बाद में ये क्वेश्चन नंबर 13 है आपका, हरिशंकर परसाई की दो रचनाओं के नाम लिखिएगा। क्या आपको लगता है कि कहानी आजादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है? हो गया इतना। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, ये क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद में ये क्वेश्चन नंबर 15 का हुआ। यहां से क्वेश्चन नंबर 16, उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर। क्वेश्चन नंबर 17, फिर इसके बाद में आगे देखते हैं तो यहां से ये अब क्वेश्चन नंबर 18 आ गया है यहां पर, है ना। अब क्वेश्चन नंबर 18 है तो अपन क्या करेंगे, पहले पेपर को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से, ये यहां से हो गया। ये यहां से क्वेश्चन नंबर 19, ये क्वेश्चन 20, ये 21, यहां से क्वेश्चन नंबर 22, ये 22 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है भैया, ये अपना पेपर हो गया है। 18वें क्वेश्चन से अपन यहां से अब सॉल्यूशन देखते हैं। संदेह प्रसंग और ये भाववार्ता, ये प्रश्न 18, यहां से क्वेश्चन नंबर 19, व्याख्या, ये क्वेश्चन 19, यहां से देख लीजिएगा ये व्याख्या हो गई है।
ये क्वेश्चन भी इस क्वेश्चन 21 वैसे बता ही दिया है, क्वेश्चन 21 में आपका क्या है, आप ध्यान से हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है ना। यहाँ पर है ये क्वेश्चन नंबर 21 है ना, ये इसका हो गया है अंदर का शीर्षक में वो सब कुछ, ये इसका थो वाला क्वेश्चन नंबर 21 का थो है, ये अथवा कौन सा है, यहाँ पर है ये, ठीक है भैया। और क्वेश्चन नंबर 22 तो ये है इसी बुक बैंक वाला एप्लीकेशन, ठीक है भैया। बाईस का थोड़ा या यहाँ से, अब ये तो अपना पेपर है क्वेश्चन नंबर 23 में नहीं बने। अब ये देखिए यहाँ से अपन देखेंगे सेट डी, इसके बाद कौन सा अंतिम पेपर रहेगा। चार तरह के पेपर अपन पढ़ रहे हैं बस, हिंदी में बस चार बहुत है। ये सी का पूरा सॉल्यूशन हो गया, इसके पहले अपन ने देखिए सेट बी का सॉल्यूशन देखा था, ये नहीं देखा तो देखना है, और इसके पहले सबसे पहले अपन ने फिर सेट ए का सॉल्यूशन भी देख लिया था, ये सेट ए का पूरा सॉल्यूशन। तो ये मैंने आपके पेपर है ना, आपको तीसरा पेपर है ये, कौन सा पेपर है तीसरा, देख लीजिए आप कोड देख सकते हैं यहाँ पे 401 विषय कोड रहेगा आपका, और 914 हो गया है, 914 के बाद में 913 यानी कि ये सेट बी है, और ये सेट ए 912 से लिस्ट शुरू हुई थी, और अंतिम पेपर रहेगा आपका 915 का। और मैं आपको थंबनेल के ऊपर लिखा भी मिलेगा सेट ए बी सी डी, नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में, इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेकआउट करोगे ना तो बिल्कुल आपको पता चल जाएगा ना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।